नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी शेयर पर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर 3 सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए हमें कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होता है। उसी हिसाब से जो एक्सपर्ट के द्वारा भी ये टारगेट वैल्यू को निकाला जाता है, ठीक है, अंदाजित वैल्यू को भी इसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है कैंडलस्टिक वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम जो एक्चुअल चीज़ें हो रही है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट में दिया हुआ है कंपनी की प्रोफाइल, जो कंपनी की जर्नल चीज़ें होती है वो सब आपको देखने मिल जाएगी। कंपनी की जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 1,04,704 करोड़ की रही हुई है और कंपनी अभी लार्ज कैप पर काम कर रही है, ठीक है। और कंपनी अभी फार्मास्यूटिकल्स में, हेल्थ केयर के सेक्टर में आगे बढ़ रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। इसमें डिमांड भी काफ़ी अच्छी रही हुई है। तो चलिए, ये तो हमने प्रोफाइल को देख लिया शॉर्ट में। अब हम सबसे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बड़े बदलाव। तो अगर हम 6 मई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 2,876 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी 2019 में। और अगर हम 2024 में देखें तो यह वैल्यू बढ़ के 2,876 से हो गई है 6,056, और ये मैक्सिमम गई है 6,500। मतलब पिछले 5 सालों में कंपनी लगभग जो है 4 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। तो हम इसको एक प्लस पॉइंट देंगे। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसे कि हमने देखा अभी कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हम देखेंगे पिछले 5 सालों की कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 15,829 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम 1,950 करोड़ की बनती थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 15,000 करोड़ से बढ़ के हो गया है 25,000 करोड़, और नेट इनकम 1,950 से बढ़ के हो गई है 4,507 करोड़। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार तेज़ी से ऊपर जाती हुई देखी जा सकती है, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अभी हम देखते हैं कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। जैसा कि हमने देखा भाई, कंपनी ने अच्छा रिटर्न भी दिया है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी बना रही है, तो क्या कंपनी अपने इसमें एसेट्स में भी बढ़ोतरी कर रही है या नहीं, वो भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 2019 में देखें तो कंपनी के पास 22,418 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास 32,000 करोड़ की संपत्ति है, ठीक है। मतलब कंपनी की संपत्ति में लगभग 10 करोड़ का बढ़ोतरी हुई है पिछले 5 सालों में, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई कंपनी के पास 2 स्टोर है, अगर उसको कंपनी 4 स्टोर कर रही है तो सीधी सी बात है यार, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ सकेगा, ठीक है। इसलिए ये एक अच्छा संकेत है अगर कंपनी अपने एसेट्स को बढ़ा रही है। उसके बाद है पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो हमें ये भी देखना होगा भाई, कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे रही है या नहीं रिटर्न के साथ साथ। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ भाई रिटर्न के बारे में पूरी हिस्ट्री। 2023 में कंपनी ने डिविडेंड दिया था, 22 में दिया, 21 में, 20 में, 19 में, मतलब कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ भी दे रही है। और यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू को भी आप देख सकते हो, कितनी अच्छी वैल्यू का डिविडेंड कंपनी दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो हमने इसको भी एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्या कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहला था टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपनी अपने शेयर की 48% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने इस शेयर को किसी भी प्रकार से बैंक में गिरवी नहीं रखा गया है, पूरी तरह से कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा 0.02% की होल्डिंग है, एक अच्छा संकेत नहीं है। और भारत के बड़े इन्वेस्टर के द्वारा 3.5% की होल्डिंग की गई है, एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर इसमें काफ़ी कम मात्रा में रहे हुए हैं, 0.05%, और रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 48। तो जैसा कि हम जानते हैं भाई, रिटेल इन्वेस्टर अगर ज़्यादा मात्रा में होते तो अच्छा नहीं माना जाता, तो हम इसको भी एक अच्छा संकेत नहीं देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं ये लार्ज कैप कंपनी है, तो भी आखिर क्या कारण हो सकता है कि इसमें बड़े इन्वेस्टर अच्छी मात्रा में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसमें म्यूचुअल फंड लगभग 0% होल्डिंग है, विदेशी इन्वेस्टर भी लगभग 0% होल्डिंग है, तो एक अच्छा संकेत हम नहीं मान सकते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हुए। तो इसको हमने एक माइनस पॉइंट में रख दिया है। अब हम कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं भाई, कंपनी कैसे क्या प्रॉफिट वगैरह बना रही है, एक शॉर्ट में जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, जो कंपनी की शुरुआत हुई थी वो 1984 में हुई थी। कंपनी ने अपनी पहली API फैक्ट्री को हैदराबाद के बलरामपुर में शुरू किया था। समय के साथ साथ आगे बढ़ते हुए कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई, जिसका एक मुख्य कारण यह भी था कि कंपनी शुरुआत से ही मार्केट में कुछ अलग करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, ठीक है। वो तो जैसा कि हम जानते हैं यार, कंपनी ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों को मार्केट में लॉन्च किया है जो एक्चुअल में पहले मार्केट में थी नहीं, इंडियन मार्केट में, ठीक है। तो एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। और अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को देखें तो इसमें हमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिले, 1 माइनस पॉइंट देखने मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। पर दोस्तों, अगर आप इसमें निवेश कर रहे हो तो आपको साथ साथ में इस माइनस पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए इसमें निवेश करना चाहिए।
और जैसे जैसे हमें कंपनी के बारे में अपडेट मिल जाएगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।